एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह जिस हाल में रखे शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको टॉयज इसलिए दिखा रही हूँ, खेलने नहीं है मैंने। मैंने जस्ट ये है कि ये बॉक्स था, टॉय बॉक्स, और काफ़ी रफ़ हो गया था और मोहम्मद ने तोड़ दिया था, उसका बुरा हाल कर दिया था। तो वो बड़ा ही फिक्स करने की ट्राई की लेकिन फ़िक्स नहीं हो सका था। तो फिर मैं क्या किया, मैं आज़ा से ये टॉय बॉक्स बड़ा सारा इस तरह से प्लास्टिक बॉक्स लेके आ गई थी और उसके अंदर 2-3 छोटे भी लेके आ गई थी। तो अब उन उसी को मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, इसके टॉयज़ चूज़ कर रही हूँ कि कौन से टॉयज़ इसको चाहिए, कौन से मिन फेंकने हैं, कौन से वेस्ट करने हैं, कौन से नहीं है काम के, वो सारे देख रही थी मैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना कि इतने टॉयज़ होते हैं, इतना मैनेज करके रखती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, लेकिन ये जो बच्चे हैं सारे टॉयज़ मिक्स कर देते हैं। तो इसका लीड भी इतना टूट गया था, ख़राब हो गया था। दरअसल ये सोफे का मैच था, तो मैं चाह रही थी कि इसी को फिक्स करूं, इसी को रखूं। बड़ा नाइस था, मजबूत था, लेकिन वो स्क्रू भी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि पता नहीं क्या प्रॉब्लम था कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था। बहुत ट्राई किया, तो फिर फाइनली फिर मैं बॉक्स बड़ा ले आई थी। फिर छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र बॉक्स भी थे जिनको ऑर्गेनाइज़ मैं कर रही थी हर टॉयज़ के हिसाब से। तो मैंने कहा वो भी आपको दिखाती हूँ, पहले तो फटाफट कर लूँ, वरना घंटा तो मेरा 1 आवर यहीं लग गया था। तो मैंने सोचा अब 1 आवर तो नहीं ना आपको शेयर करना, आपसे तो बहुत कम टाइम ही मैं लेती हूँ। लेकिन वो भी आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। कोई पैसा नहीं लगता है आप लोगों का, कंजूसी ना किया करें प्लीज़। आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जिस तरह से हम अपने दिल की बातें शेयर करते हैं ना, उसी तरह से मेरा चैनल भी शेयर कर दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कॉमेंट भी मुझे ज़रूर किया करें। टी वी में मेरा कैमरा अच्छा भला नज़र आ रहा है। तो इस तरह से ये मैंने ऐसे कर दिया, ये इसका चाहिए टूल बॉक्स, मम्मी पीछे ये रख दिया क्योंकि बच्चा खेलता है। और ये इस तरह से मैंने बना दिया क्योंकि इसमें जस्ट लर्निंग वाली मीन ABC या लर्निंग वाली अल्फ़ाबेट एंड कार्ड्स, जो स्टडी वाली, वो मैंने इस बॉक्स में रख दिया। और इसमें सारे मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स रख दिए हैं, इस तरह से जो ज़रूरत की चीज़ है वो मैंने रख ली है। और इसके साथ के राउंड वाले थे वो मैंने फेंक दिए, वो भी इनकम्प्लीट थे। तो ये फिर मैंने रख रही हूँ, ये कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है। ये रख रही हूँ उसकी गाड़ियाँ वगैरह ना, बॉयज़ का होता है इस तरह से, क्योंकि ईशा के तो टॉयज होते नहीं हैं तो बॉय के ही होते हैं। तो इसके हैं तो ये वाले हैं, और इस तरह से फिर मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया। वही मैं इसको बॉक्स निकाल के दूँगी तो प्ले कर लेगा। तो ये मैं आइडिया था क्योंकि आत्मा कहते हैं कि दो ले लेना, क्या नहीं दो नहीं लेने हैं, मैंने सारा मैस भी नहीं करना है, मैंने नीट एंड क्लीन रखना है। तो इसलिए जैसे ये एरोप्लेन है, ये चलाता है, ये जो याद है इसके नानों ने दिया था और ये इसके मामू ने दिया था इस तरह से। तो ये इसके ये वाले टॉयज हैं जो फ्रेंड्स ने दिए थे इसकी बर्थडे पे। तो ये इसे पसंद है थोड़ा सा, तो जो जो एक्स्ट्रा सा होना वो मैं फेंक देती होती हूँ, क्योंकि जिस बच्चे ने लर्न करना है ना, अब जैसे अल्फ़ाबेट के 2-3 टाइप्स की हैं तो वो मैंने 1-2 ही वो रखे हैं। तो बस ये बॉक्स हो गया, बन गया इस तरह से, बस सिंपल सा जल्दी। तो ये बस बॉक्स हो गया रेडी। तो बस इसको सुबह रात को उसमें दिया और तो इस तरह से मैंने सारा ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और इस बॉक्स को इसे इधर एक साइड पर रखूँगी, सारे टॉयज़ इसके ऊपर रखूँगी ताकि ये एक अच्छा सा सेक्शन, टॉय सेक्शन बन जाए, क्योंकि जो इसको चाहिए उसको प्ले किया। क्योंकि टॉयज़ को ऑर्गेनाइज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बच्चे बहुत कुछ कर देते और ऐसा वैसा सारे टॉयज़ टूटे हुए मिक्स होते रहते, क्योंकि मुझे ज़्यादा टॉयज़ इस तरह मुझे पसंद नहीं है, रूम में बिखरे रहना या इस तरह से। तो जो फजूल से थे वो, जो नहीं चाहिए थे, जो इसके अर्ली एज वाले थे, वो मैंने फेंक दिए। तो फिर बस वो समेटने के बाद बहुत ज़रूरी था, कब से मैं सोच रही थी, वो फाइनली हो गया है। तो अभी मैं आई हूँ किचन में खाना वगैरह बनाने। तो खाने में मैं क्या बना रही हूँ, नहीं कहा तो हमारा रोज़ का काम होता है कि खाना बनाना है, खाना है, पीना है क्योंकि खाए बगैर भी नहीं रहा जा सकता है। तो खाना बनाने के लिए किचन में आई हूँ। तो बस आज जुमा भी था तो मैंने सोचा कि चले आज दिल था इंशाल्लाह का तो पास्ता वगैरह बनाने का। तो मेरे पास चीज़ भी पड़ा था तो वो भी मैंने कहा था ख़राब ना हो जाए, बनाना कुछ और था, लेकिन फिर मैंने सोचा चले ऐसे करती हूँ, बच्चों के लिए 2 वीक से पास्ता नहीं बनाया है तो पास्ता बना देती हूँ, क्रीमी पास्ता, वो बहुत ही मज़े का बनता है। लेकिन पहले भी मैं डिफरेंट डिफरेंट शेयर करती रहती हूँ। और दरअसल ये पास्ता मुझे पता है कहाँ से पता चला, मैं जब गई थी ना उमरा करने सऊदीया, तो वहाँ पे फूड कोर्ट था, तो वहाँ पे हम खाना वगैरह खाते होते थे, ऊपर जाके ऊपर मंजिल थी, वो खाना काबा के पास ही था,
मीन वो बिल्डिंग जहाँ पे होटल्स वगैरह थे बहुत ही पास में था, तो वहाँ पे फूड कोर्ट था तो उसमें पास्ता वगैरह डिफरेंट डिफरेंट होते थे, प्लेन पास्ता, कुछ पार्सले वाला पास्ता, कुछ चीज़ी पास्ता, कुछ स्पाइसी पास्ता तो मैंने वहाँ से देखे थे, वहाँ से मैंने बनाना स्टार्ट किया, डिफरेंट डिफरेंट पास्ता बना लेती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। चीज़ी पास्ता तो सब में से एक, मैंने क्रीमी पास्ता और है ये चीज़ी पास्ता, मैंने डिफरेंट डिफरेंट बड़े डिफरेंट डिफरेंट किस्म के बनते हैं, डिफरेंट टेस्ट होता है, डिफरेंट फ्लेवर होता है। इस तरह से चिकन वाला भी होता है, किमी वाला भी होता है। तो अच्छा, लैम वाले गोश्त में कभी मैंने पास्ता वगैरह नहीं देखा तो ये वाला पास्ता, इसकी तो अपनी बात है, ये कौन पास्ता इसको कहते हैं, और ये बहुत ही नाइस लगता है। और मैंने आज किमी में बनाया, किमी को अच्छे से भून छून के उसमें बड़े स्पाइसेस डाल के तो उसके अंदर पास्ता ऐड किया है, और ये बहुत मज़े का बनता है। और मैं चीज़ इसमें थोड़ा सा और डालूंगी, उसके साथ पहले तो डाल लेती हूँ पार्सले। पार्सले बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें धनिया भी अच्छा लगता है लेकिन पार्सले का एक अपना टेस्ट है, तो मुझे पास्ले बहुत अच्छा लगता है पास्ता में। मैंने तब मुझे याद है कि तब मैं फिर मैं एरोप्लेन में जब लास्ट टाइम यहाँ आने के लिए वहाँ से निकली थी तो मैंने स्पेशली पास्ता बॉक्स लिया था और एयरपोर्ट पे बैठ के खाया था, तो बहुत ही मज़े का लगता है, वैसे ये फूड ही ऐसा है। तो मैंने चीज़ थोड़ा सा और डाल दिया, एक कप और डाल दिया क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। और मैंने कहा बच्चों ने ही खाना है, बच्चों ने खाना है तो बच्चों के लिए चीज़ भी अच्छा है, पास्ता भी अच्छा है, क्योंकि बच्चों का विटामिन, कैल्शियम, कार्ब्स, प्रोटीन सब चाहिए होता है, तो इसमें सब कुछ है। देखिए आपको नज़दीक से शक्ल दिखाती हूँ, इतने मज़े का बनता है, और ये इस तरह जब ठंडा हो जाए तो और तरह लगता है, जब फ्रेश फ्रेश खाने वाला होता है, और जब आप इसको गर्म करके ऊपर और चीज़ डाल के खाएं, वाओ इट्स यम्मी डिलीशियस। आया बच्चों के लिए है, और खुद को देख के इतनी भूख लगी है क्योंकि पास्ता किसको नहीं पसंद, आई थिंक सबका फेवरेट है। तो बस पास्ता वगैरह बनाया, और क्योंकि बच्चों को भी पसंद है तो जी इसी टाइम पे फिर मेरा पार्सल आना था, उसी का वेट कर रही थी क्योंकि मैसेज टेक्स्ट आ चुका था मुझे कि आपका पार्सल आज इस टाइम पे डिलीवर हो जाएगा, और इस टाइम आया, मीन बहुत डार्क हो गया, बाहर देखें गुक अंधेरा है और कोई भी बंदा नहीं ना बंदे के साथ, मेरा पार्सल यहाँ पे है। यहाँ पे ना ये भी बहुत अच्छा रहता है, वरना तो बंदा वेट करता करता ही थक जाता है, ये बहुत अच्छा रहता है कि जब वो टैक्स कर देते हैं कि इस टाइम पे आपका पार्सल आएगा, इस टाइम के मीन इतना टाइम होता है उसके मिडल में आपका पार्सल आएगा, तो वो सही रहता है, बंदा वेट कर लेता है या इस तरह से। मैंने कहा चलें जी, और यहाँ पर ला के रखा, और इसमें क्या है, ये शीन वालों का पार्सल है, मैंने शीन से कुछ ऑर्डर किया था, तो वो भी आपसे फिर जल्द ही शेयर कर लूँगी क्योंकि अभी तो बहुत लेट हो चुका है, तो अभी थोड़ा सा बच्चों को टाइम देना है, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपसे जल्द शेयर करूंगी, और पहले तो चेक करूंगी कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है, हो सकता है रिटर्न करना पड़ जाए, इसीलिए अभी नहीं ओपन करूंगी। हाँ ओपन करूंगी तो फर्स्ट चेक करूंगी, फिर आपको इंशाल्लाह ताला मैं शेयर करूंगी कि मैंने क्या ऑर्डर किया था और क्या आया है इसके अंदर। तो चलें जी, फिर मुझे यहाँ पे दे दे इजाज़त, और अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा परेशान नहीं हुआ करें, ढेर सारा प्यार किया करें, एक दूसरे के साथ प्यार बांटा करें, मोहब्बत बांटा करें, और अपना टाइम ज़रूर स्पेंड किया करें अपनी फैमिली के साथ। हैप्पी वीकेंड एडवांस में, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।